बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं प्लेन केक। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप ऑयल और आधा कप पिसी हुई शुगर। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से बीट करेंगे, अच्छे से इसको बिल्कुल एक क्रीम की शक्ल में ले आएंगे। उसके बाद हम इसमें एक एक करके अंडे शामिल करते जाएंगे। ये देखिए, एक अंडा हमने डाला, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद एक अंडा डालेंगे। इसी तरह तीन अंडे शामिल करेंगे। इस केक में मीठा बहुत हल्का होता है, ये चाय के साथ बहुत अच्छा मज़े का लगता है। और चाहे तो हम किसी भी किस्म की इस पर आइसिंग कर सकते हैं। एक कप पिसी हुई शुगर में एक अंडे की सिर्फ सफ़ेदी डालकर बहुत अच्छी तरह फेंट कर भी हम इसे केक पर लगा सकते हैं। और इस केक के स्लाइस करके इस पर चॉकलेट स्प्रेड भी लगा कर बच्चों को दे सकते हैं। ये देखें, अब हमारा तीसरा अंडा भी शामिल हो गया। बहुत अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। वनीला एसेंस हमने डाला है इसमें आधा टीस्पून, और जर्दे का रंग ज़रा सा चुटकी भर शामिल किया है, इसकी वजह से कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अच्छी तरह फेंट के आधा कप दूध हम इसमें शामिल करेंगे। डेढ़ कप मैदे में हम 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसको आधा आधा करके बैटर में शामिल करेंगे। ये आधा हमने इसमें छान लिया है, और स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब बाकी मैदा भी हमने शामिल कर लिया है इसमें, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। केक टिन को हमने हमेशा की तरह पहले से तैयार करके नीचे बटर पेपर लगाया है, और ऑयलिंग करके उसको तैयार करके रख के बाद में हम ये तैयार करने शुरू हुए हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हमने थोड़ा सा बीटर इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हमने तैयार शुदा टिन में डाला है, और इसको हमने बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पर। तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको हमें लगेंगे। ये देखें, तैयार होकर हमारा केक निकल आया। अब मैं आपको एक हदीस बताना चाहती हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तलबीना यानी जौ का दलिया दिल के मरीज़ के लिए राहत बख्श और गम को हल्का करने वाला है। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।